कल उज्जैन में महाकाल की सवारी निकल रही थी और तीन मुस्लिम युवक कुल्ला करते हुए थूकते नजर आ रहे हैं। नहीं, ये अत्यंत दुर्भाग्य और खेदजनक बात है और इस तरह की बदतमीजी करने वालों के हाथ पैर तोड़ना चाहिए और पुलिस को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। केवल गिरफ्तारी मात्र से नहीं होगी, इनका भी वही हक करो जो बलात्कारियों का करते हो। तोड़ो छतें। ये क्या क्या चाहते हैं? सावन के महीने में उज्जैन को जलाना चाहते हैं? मध्य प्रदेश में दंगे भड़काना चाहते हैं? क्या है? और इस तरह की बदतमीजी करने वालों पर सख्ती से पेश आना है प्रशासन को। और जिस तरह की घटनाएं इनने की हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह की घटना करने वाले लोगों को जब तक पुलिस सख्त सजा नहीं देगी, तब तक ना तो हिंदुओं को चैन से बैठना चाहिए ना शांत रहना चाहिए। इस तरह के बदतमीजी करने वालों को सीधी जवाब दो। महाकाल की सवारी को नहीं समझ पा रहे उज्जैन के नाकारा निकम्बे लोग? पहले भी उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, अब फिर उज्जैन में महाकाल की सवारी पर थूका गया, कुल्ला करते देखे गए, कुल्ला करना भूल जाएंगे? और इस तरह के लोगों के जिनके भी मां बाप है उनको भी पकड़िए, जेल में डालिए। यह बदतमीजी मध्य प्रदेश की धरती पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका मतलब यह है कि अभी भी इनके दिमाग से बाबर और अकबर जैसी जो है भूत उतरा नहीं है। इनका भूत उतारना बहुत जरूरी है और इसलिए हम प्रशासन से चाहेंगे सख्त कार्रवाई करें। जिन छतों से ये थूका गया है वो छत भी तोड़े जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।